Oh

स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं शेख अब्दुल करीम मदनी हाफ अलक्म वरम् वा हम सिलसिलेवार बार मनकिन हदीस के शुबहात का जायजा ले रहे हैं पिछले हल्के में जो शुबहा हमने आपके सामने पेश किया था और जिसका जवाब हमने अपने शेख मोहतरम से लिया था वो था मुनाफ़िन जो मदीने में पाए जाते थे जो सहाबे कराम के दरमियान थे उनकी तमीज़ क्या मुमकिन थी या नहीं थी क्या उनकी शनाख्त साहब कराम को थी या नहीं थी उसी का जायज़ा हमने अपने शेख मोहतरम से लिया था आज के इस हल्के में हम एक नया शबह जो मुनकरन हदीस की तरफ से पेश किया जाता है वो ये है कि वो पूरे ज़खीरे हदीस पर एतराज़ करते हैं कहते हैं कि इतना बड़ा हदीस का ज़खीरा कहाँ से आ गया क्योंकि बहुत सारी बातें वो महदसिन कराम से लेते हैं कि जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास दस लाख हदीसें थी लेकिन जब उनकी किताब मुसनद अहमद बिन हम्बल का जायज़ा लेते हैं तो उसमें एक लाख भी हदीसें मौजूद नहीं हैं बल्कि पचास हज़ार भी मौजूद नहीं हैं ऐसे ही इमाम बुखारी रहम्ला के बारे में आता है कि उनके पास छः लाख हदीसें थी और उसमें से सिर्फ तकरार के साथ सात हज़ार या कुछ कमोबेश बेश हदीसें और बग़ैर तकरार के चार हज़ार के करीब हदीसें हैं तो कहते हैं वो सब हदीसें कहाँ गईं और ये जो इतना ज़्यादा हदीसों का ज़खीरा है ये सब कहाँ से आया उन्हें हदीसों को देख कर जलन होती है और तकलीफ़ होती है हम उसी का जायज़ा लेंगे अपने शेख मोहतरम से इसका जवाब हासिल करेंगे इन मुमकिन हदीस के शुभ का कि जो ज़खीरे हदीस है उसकी क्या हकीकत है उसमें किस किस्म की हदीसें हैं और ये हदीसों के दरमियान तमीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये हदीसों के दरमियान पहचान रखते हैं कि नहीं रखते हैं और हर चीज़ को ये हदीस समझ कर जो मुसलमानों के दरमियान आवाम के दरमियान शुभ पैदा करते हैं उसकी क्या हकीकत है शेख साहब ये जो ख़ीर हदीस है क्या इतनी हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमा होना मुमकिन है अगर मुमकिन है तो कैसे जो ये मुमकिन हदीस शुभ पेश करते हैं और फिर ये जो डाउट है कि इतनी सारी हदीसें जिन महदसिन ने जो दावा किया था कि दस लाख हदीस है या छः लाख हदीस है वो सब कहा गई अलहदुल्लासलम रसूल सुखन शनास नई दिल बराखा इजाजत बात यह है कि ये हजरात हदीस हदीस मुहदसन और उनकी खदम्त से नावाकफ व जाहिल हैं अच्छा अगर ये लोग हदीस व मुहदसिन उनकी खदम्त उनकी असलाहत को जानते समझते पढ़ते तो ये एहसराज कभी ना करते अगर ये कोई बात फितरी है जो इनके दिमाग में आई है क्या आप सोचते हैं कि 1400 साल में यही बेचारे छठे है अकलमंद लंबे अरसे में कोई और अकलमंद पैदा न हुआ जिसको एतराज होता है इस पर ये बात जो किताबों में लिखी हुई है कि उनके पास साठ लाख थी उनके पास छह हजार थी उनके पास छह लाख थी जी तो ये बात कोई आज तो लिखी नहीं है किसी ने ना कोई आज कह रहा है ये तो दूसरी तीसरी सदी की किताबें जो पाई जाती हैं है रिवजाल पर उनके अंदर लिखी हुई हैं तो इतने लंबे जमाने से ये बातें कही जा रही है लिखी जा रही है किसी ने ऐतराज किया क्या जैसे ये एतराज कर रहे हैं नहीं, कभी नहीं एतराज हुआ दूसरी बात यह है कि एक मुहदस के सिलसिले में एक आदमी दावा करता है उनके पास छह लाख हदीसे हैं ठीक है एक और आदमी है मुहदस उसी जमाने में उसके बाद कुछ और मुहदस पैदा हुए किसी मुحدث ने اعتراض क्यों नहीं किया बेशक जो उनके हम असर रहे हों, हम असर उन्हें ज्यादा हक और वो समझ सकते हैं कि किसी के पास हो सकती है इतनी या नहीं या नहीं हो, हो सकती, हो सकती है। है। वो आदमी ज्यादा इस बात को समझ सकता है जिस आदमी को मसीह नहीं रहा हो हदीस से वो क्या समझेगा उसको अब اعتراض कौन कर रहा है जिसको उससे कोई मसीह नहीं जी और जो आदमी उसी का होकर रहा जिंदगी भर ओढ़ना बिछोड़ना जिसने हदीस को बनाया बिल्कुल पूरी जिंदगी وقف कर दी उस आदमी ने कोई اعتراض नहीं किया तो ये अजीब बात नहीं लगती आपको बिल्कुल बेशक अब भाई ये जरा सा इस बात की तरफ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इतनी हदीसें हो सकती हैं मैं कहता हूं कि इतनी तो कम है 60 लाख नहीं अगर वो करोड़ों में भी होती तब भी मुमकिन था सही था कोई ऐसी बात नहीं एक मिसाल से एक बात आपको समझा दो जी रसूल अक्रम का दरबार लगा हुआ है मान लीजिए उसमें पचास सौ सहाब कराम बैठे हुए इतना तो एक मामूल सी बात है जी जी जिस तरह आपके ऊपर परवाना कुर्बान रहते थे हम पचास ही मान लेते हैं पचास साहब कराम का मजमा के इर्द गिर्द बैठा हुआ है ऐसे में आपने एक हदीस इर्शाद फरमाई मान लीजिए हदीस मिसाल में पेश करता हूं हदीस है ना बिल्कुल कितने साहब कराम बैठे हुए पचास 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 साहब कराम ने इसको सुना पचास साहब कराम अलग अलग बयान करें कितनी हदीस हुई पचास हदीस हुई। पचास हदीस हो गई अब ये हर आदमी कम से कम दस आदमी को बयान करता है मन कर सकता है कि नहीं बिल्कुल बयान कर सकता है अब इसको जर्व कर दीजिए पचास को दस से पचास को दस से पांच सौ हो गई दस में से हर एक आदमी और दस आदमी को रिवर्त करता है पांच हजार होगी इसी को बाद में चल के मुहदसिन काब इलमो का, इल्मों का इल्म हासिल करने वालों का दर्जा बढ़ा तादाद भी बढ़ी एक एक मुहदिस से बैक वक्त हजार हजार आदमी लिख रहे कितनी हो एक हदीस थी हदीस थी।, थी हजार में पांच हजार में पचास हजार में तब्दील हो गई हो गई क्या नहीं हुई अब कोई आदमी हदीस की किताब लिखता है हदीस की किताब लिखता है इसने लिखी तो इसी हदीस को इसने पांच साहब के राम से बयान किया अगले आदमी ने दस से बयान किया एक और आदमी ने अपनी किताब में और दीगर लोगों से पांच से और दस से बयान किया हदीस वो एक ही है जी हदीस तो एक ही है मतन एक ही है अब देखिए इन तमाम को आप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे ये एक दिन की एक हदीस का मामला है तेईस साल बहसियत नबी और रसूल आपने गुजारे सब के दरमियान एक एक चीज का गुजारे? तेईस साल।, साल नमाज के मसाइल को लेकर आज आप जो कुछ भी बहस देखते हैं के कराम ने जो किताब सलाद के नाम से जो अब्बाब मुत किए हैं किताबें लिखी हैं कम से कम उसमें सौ दो सौ हदीसें तो होती है बिल्कुल होती है सौ दो सौ हदीस एक बाप में है एक किताब में है किताब में और उसी को दीगर अपनी अपनी सनदों से करते हैं तो ये पचास कौन सी बड़ी बात हुई है? तो बहुत मामूली बात हुई इसका मतलब यह आदिश की तादाद तो इससे और ज्यादा होनी चाहिए थी ये तो बहुत कम है फिर इसमें आप एक और चीज देखिए तो ये जो तादाद है ये चैन के हिसाब से यानी के हिसाब से बैन की जाती है जो सनत के एतवार से बैन की जाती है इसलिए नहीं कि वो सारे लोग काउंट करके ये देख रहे हैं कि मतन कितना है। मतन के छह हदीसों का मतलब ये नहीं है कि छह लाख मतन अलग अलग उनके पास हैं छह लाख सनद उनके पास है वो सनद के अतबार से इमाम मुस्लिम रहमत को आप देखिए एक हदीस बयान करते हैं फिर एक सनद रिवायत की और फिर एक मतन जिक्र किया उन्होंने मुसलिमसलान वैद ही, वै ही। हाँ फिर एक सनत बयान की ही, ही। हाँ फिर एक सन रिवायत की रुम्सलिम। एक चार चार छ छ कर देते हैं इन जाहलों के लिए तो वो एक हदीस है लेकिन मां मुसलिम रहमत के नजदीक के नजदीक वो छह हदीस है इस तरह से हदीसों की तादाद जो नकल की जाती है चूंकि ये इसरा जानते नहीं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल मदसी ने क्राम की इसलिए उस पर ऊट पटांग एतराज कर देते हैं जानते नहीं समझते नहीं है साहिल पे बैठ कर तैराकी के गुड़ सिखाते हैं जी हदीस में एक और बात हदीस खुदी हदीस मतवा हदीस मशहूर हदीस मुस्तफ़ी हदीस अजीज जी हदीस गरीब वो की फिर जो जयीफ हदीस है उसकी तकरीबन साठ किस्म ऐसे ही हदीस की किताबों में देखते हैं कि आप सहाबा के भी अकवाल पाएंगे आसार ऐसे ही ताबइन के भी मकतूर रवायत जिसे कहते हैं नीम मरफू भी हैं और मौकूफ भी रवायतें हैं ऐसे ही मक्तू रवायतें भी हैं वो सब भी इसी में वही बयान कर रहा था तो ये हदीस की जयीफ हदीस की कस्मों में वह तो रिवायत करते हैं जी सही मरफू सही मरफू क्या है सही मरफू यानी वो रिवायत जिसकी सनद रसूल अक्रम तक पहुंच जाए सही सनद से जी रसूल अक्रम तक उसकी सनद पहुंच रही है तो ये मरफू है अच्छा एक सनद रिवायत की जा रही है लेकिन वो सहाबी पर जाकर खत्म हो जाती है अल्लाह के, अल्ला के, के, अल्ला के रसूल सहाबी ये नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल ने यह बयान किया बल्कि ये उनका कौल है वो बयान करते हैं खुद ये है। नीचे वाले मुहदसी ने किराम उसको बयान करते हैं हमको फलाने हमको फलाने हमको फलाने हमको फलाने उन्होंने बयान किया कि उमर ने बयान किया फरमाया बस जी अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुंचे क्या ये हदीसे मौकूफ है और हदीस होती हदसना फुला 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 कला मस कदा ताबई है वो बयान करते हैं वो सहबी का नाम नहीं लेते हमीसी की मकतू की, मानी जाती है। या भी इसको कहते है। की मुरसल है लेकिन ये मुर्सल है इसको मुर्सल कहते हैं जिसकी सनदई पर जाकर खत्म हो जाए मकतू इसको नहीं कहते मकतू वो है जो साहबी के अलावा भी कहीं पर जाकर उसकी सनत खत्म हो जाए बीच में इंकसा हो जाए शेख इनशा अज़ीज़ इस नुकते पर हम गुफगू करेंगे ब्रेक के बाद यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ है हम थोड़े से वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं वक्फ़े के बाद दोबारा फिर हम अपने शेख के साथ आपकी खिदत में हाजिर होंगे असलिक वरहल वरक अल्लाम वरम् वबरकता नज़रिन कराम वे के बाद दोबारा आपका इस्तबाल है वक्फ़े पे जाने से पहले हम उनके हदीस के उस शुभे का जायज़ा ले रहे थे जो वो हदीस के ज़ख़ीरे पे करते हैं कि इतनी सारी हदीसें कहाँ से जमा हो गई और मुहद्दिसीन का ये दावा कि मेरे पास छः लाख हदीसें हैं याम मोहम्मद बिन हमल का कौल कि उनके पास दस लाख हदीसें हैं अगर उनके पास इतनी सारी हदीसें थीं तो वो कहाँ गईं कहाँ जाए हो गई उन्हें ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया ये जो दावा है उसकी क्या हकीकत है और जो हदीसों का ज़ख़ीरा है उसकी क्या हकीकत है हदीसों की जो गिनती की जाती है वो महतसन के यहाँ उसका क्या अतबार है उसके क्या असूल हैं हम अपने शेख मोहतरम से सुन रहे हैं आते हैं अपने शेख मोहतरम के पास हदीस खुलसी हदीस मतवा हदीस मशहूर हदीस मुस्तफ़ी हदीस अजीज जी हदीस गरीब वो हदीस की फिर जो ज़ईफ़ हदीस है उसकी तकरीबन साठ कस्में ऐसे ही हदीस की किताबों में शेख देखते हैं कि आप सहाबा के भी अकवाल पाएंगे आसार ऐसे ही ताबिन के भी मकतूर रवायत जिसे कहते हैं मरफू भी हैं और मौकूफ़ भी रवायतें हैं ऐसे ही मख् रवायतें भी हैं वो सब भी इसी में वही बयान कर रहा था तो ये हदीस की जयीफ़ हदीस की कस्मों में कराम जो रिवायत करते हैं जी सही मरफू सही मरफू क्या है सही मरफू यानी वो रिवायत जिसकी सनद रसूल अक्रम तक पहुंच जाए सही सनद से जी रसूल अक्रम तक उसकी सनद पहुंच रही है तो ये मरफू है अच्छा एक सनद रिवायत की जा रही है लेकिन वो सहाबी पर जाकर खत्म हो जाती है अल्लाह के अल्ला रसूल नहीं कहते कि अल्लाह के रसूल ने यह बयान किया बल्कि ये उनका कौल है वो बयान करते हैं बयान करते है। नीचे वाले मुहदसी ने किराम उसको बयान करते हैं कि हमको फलाने हमको फलाने हमको फलाने हमको फलाने उन्होंने बयान किया कि हजरत अब्दुल्लामर ने बयान किया फरमाया बस जी अल्लाह के तरफी अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुंची सनम यह क्या है ये हदीस से मौकूफ है और हदीस होती है हदसना फलां हदसना फलां हदना फला कला सबनसब कदा वाबई है ताबई है वो बयान करते हैं वो सहबी का नाम नहीं लेते फला साहबी ने ऐसे बयान किया इसको हम मुरसल कहते हैं हदीसी की कस्म मानी जाती है या मकतू भी इसको कहते हैं मकतू की कस्म से मुसल है लेकिन ये मुसल है इसको मुसल कहते हैं जिसकी सनद सनदही पर, पर जाकर खत्म हो जाए मकतू इसको नहीं कहते मकतू वो है जो साहबी के अलावा भी कहीं पर जाकर उसकी सनद खत्म हो जाए बीच में इनकता हो जाए अब मकतू की भी दो किस्में मोजल है तो पैदर पे दो रावी छूट जाए या एक रावी छूट जाए दरमियान से तो जैसे जैसे होती है वही उसकी किस्म बन जाती है अच्छा पैदर पे दो रावी छूट गए तो ये मकतू हो गई मोजल हो गई एक रावी छूट गया तो उसकी किस्म अलग हो गई यह है कि सिर्फ बाद में जाके शरद पाई नहीं जाती एक दो आदमी तो पाए जाते हैं कि हमको फला फला बयान किया फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं रौायत। पूरी रिवायत। पूरी रिवायत खुद ही तो अब ये जो अकसाम बनती है हदीस की तो देखिए ताबे का कौल किसी मुहदस का कौल सहाबी का कौल और रसूल अक्रम का कौल वो सब इन्ही जखीरे में मौजूद ये सारे इसी जखीरे में मौजूद है और इस तमाम को हदीस का नाम दिया जाता है इस एतबार से जब आप देखेंगे तो जितनी ये रिवायतों की तादाद बयान की जाती है कि इमाम मोहम्मद अब हम्बल के पास इतना था मुसरत अहमद में इतनी पाई जाती है वो तो कहते हैं हमारे पास इतने लाख था तो गए कहाँ अरे उससे छाट कर उन्होंने ये जखीरा लिखा उन्होंने मौकूफा पर मखतूआत पर मरासील पर सब पर कलम फेर के जो मरफूआत थी उनके पास वो जिक्र कर दी और उसको अपनी किताब में शामिल कर दिया बाकी चीजें नहीं बहुत सारी रिवायतें ऐसी भी उनके पास पहुंची होंगी जो मौजूँ या लेकिन मौजू के लिए महदसिन के राम ने अलग किताबें लिखी मौदुआत पर बायदा किताबें लिखी जैसे अबजी की दो जल्दों में अलमोदुआत और भी उनसे पहले भी एक और साहब ने लिखी थी जी अलम अबी ने उसको बुनियाद बनाकर अलमोद लिखा फिर बाद में मौजुआत कबीर मौजुआत फिर मसनुआ फिलहद तो अब ये जो बाद में किस्में होती रही तो फिर मकासदलह हसना सखावी की इबन अर्राक की तो अब ये सब जो किताबें हैं इनमें भी एक हदीस नहीं है हजारों के हिसाब से हदीस है और इन तमाम को मधु के दर्जे में तकरीबन रखा गया है बाद लोगों ने इन्ही को बाद किताबों में नकल कर दिया, नकल कर दिया है।, है और उसकी भी काउंटिंग में शुमार किया गया तो ये जो एतराज है ये एतराज असल में बेबुनियाद है जहात की बुनियाद पर है मुहदस ने कराम की अगर आप इस तरह जानते हैं समझते हैं तो आपको इसमें शको शुभ करने की कोई गुंजाइश नहीं इसलिए मैंने पहले कहा था ना कि शको शुभ अगर कोई करे तो वो करे जो साहेब फन हो बिल्कुल सही बात है और साहेब फन किसी आदमी ने भी इस पर शको शुभ नहीं किया कि इमाम बुखारी के पास इतनी हदीसें कैसे थी इमाम अहमद अबिन हम्बल के पास इतनी हदीसें कैसे थीं याबिन के पास इतनी हदीसें कैसे थीं ये जो एतराज़ है साहेब फन करे तो एतराज़ माना जाएगा कोई अनाड़ी करता है उस अनाड़ी की क्या हैसियत है फिर रोज़ाना अगर हम देखने शेख एक आदमी आम तौर पर जिंदगी में रोजाना कितनी गुफ्तगु करता है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वुरबी के तौर पर भेजे गए थे एक उम्मत की तश्ील के लिए सारी दुनिया के लिए एक एक चीज़ की घर से लेकर बाहर तक हर हर मामले में हर हर मैदान में आपने अहकाम बयान फरमाए लोगों के सामने उसके तरीक़े बताए और उनकी तरबियत की अगर इन सारी चीज़ों को हम शुमार करें खुद इंसान अपने बारे में सोचे कि वो कितनी गुफ्तु रोजाना करता है उसको काउंट करे तो उसके मुकाबले में हादिस का ज़ख़ीरा कोई ज्यादा नजर नहीं आएगा नहीं नहीं कोई ज्यादा का क्या मतलब है बल्कि ये कहेंगे कि हो सकता है कि कुछ बातें रह गई हो ज्यादा नहीं हुई ये कुछ ये तो हो सकता है कि ये कहे कि भाई कुछ बातें रह गई हो लेकिन रह गई हो से मतलब ये नहीं है कि दीन ना मुकम्मल हो गया ना किस शरीयत, शरीयत मुकम्मल है।, है लेकिन एक बात रसूल अक्रम ने एक बार फरमाई वही बात आपने दस बार फरमाई तो हर बार की रिवायत नहीं हुई मुझे ताजुब है कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ लोग हैं उस पर एतराज कर रहे का कोई मौका ही नहीं है ये तो सारंदगी के मुकाबले में यह हदीस का ज़ख़ीरा बहुत कम लग रहा है हमको जसाकल्ला खैरन नाजीन क़िराम आपने देखा कि ये शुबह जो मुमकिन हदीस पेश करते हैं कि हदीसों का इतना बड़ा ज़खीरा कहाँ से आ गया और या ये कि जो मुहद्दिसीन कहते हैं कि फ़लाँ के पास इतनी लाख हदीसें हैं या फ़लाँ के पास उतनी लाख हदीसें हैं तो हम हदीस की किताबों में उतनी लाख हदीसें देखते नहीं हैं हमने अपने शेख मोहतरम से उसकी हकीकत को जाना कि अगर कोई मुहदस ये कहता है कि मेरे पास इतनी हदीसें हैं तो उसका क्या मतलब है और मुहदीसीन की उस तल्ल से क्या असलाहत हैं उन्होंने कौन कौन सी असलाहत अख्तियार की है हदीसों को जमा करने में और हदीसों की तदवीन में उसकी तदील में कौन कौन से असलाहत का इस्तेमाल किया है अलहमदिल्ला हमारे नाज्रीन के जहनों से ये शुभ भी दूर हो गया होगा कि हदीसों का इतना बड़ा जखीरा कहाँ से आ गया अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन उनके इन्हें हदीस के हर हर शुबहे को समझने की तौफीक अता फ़रमाए हमें इनके चालों से होशियार रहने चौकन्ना रहने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे कि वो हिदायत की तरफ पलटें और सरात मुस्तकीम पर पलटें और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तोफ़ी दे कि हम सरत मुस्तकीम पर अपनी ज़िंदगी को गामजन करें आमीन आखिर आलमीन दावान अलहमदल व असलम व वरक Oh